ये देख लो भाई कितना सारा गेहूँ निकल रहा। ओ मेरी नानी की तावड़ी कर ले, वार करा लग रही बब्बो, मजा दवा भी लेने जाना मेरी नानी की। हेलो गाइस, मेरा नाम है देव रतराणा और आप सभी का मेरे ग्रुप में स्वागत है। आप सभी को राम राम और आप सभी अच्छे हो गए। तो पहले बता देता हूँ गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, उस वजह से गला भी पड़ रहा है, बोलना भी अच्छे से नहीं जा रहा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात, यह आपको दिख रही होगी टंकी, दूर से भी दिखा देता हूँ, पास से तो ऐसे ही दिख रही होगी। यह देख लो, ये सामने टंकी है और ये सामने मेरी मम्मी है और ये सामने छोटी बेबी है। हाय, ये देख लो सुबह सुबह मम्मी ने गेहूं धो दिए। और दूसरा दिखाता हूँ, इस टंकी में पुराने गेहूं है तो उसे हम निकाल लेंगे। इस टंकी में पुराने गेहूं है, निकाल लेंगे हम उन्हें। निकालने के बाद फिर जो नए गेहूं आएंगे उन्हें इसमें घेर देंगे और इन्हें कट्टे पर रखेंगे और आराम आराम से खाते रहेंगे पुराने वालों को, नए वाले को इसमें सेव कर देंगे। अभी जो कट रहे हैं गेहूँ, आज तो फिलहाल कट भी गए होंगे, आपको दिखाऊंगा अभी खेत में जाके कि हमारे गेहूँ कट चुके हैं। फिलहाल अभी इसमें से पुराने गेहूँ निकाल लेते हैं, कट्टे दिखाता हूँ, कट्टे हैं, कट्टे में भर कर रख लेंगे अच्छे से, जितने भी निकलेंगे और फिर आराम आराम से खाते रहेंगे। और जब नए गेहूँ का नंबर आएगा खाने का फिर खा लेंगे, इतने नए गेहूँ इसमें सेफ रहेंगे, है ना मम्मी? तो मम्मी और मैं ये काम करेंगे अभी। झाड़ू भी लगावे ना, झाड़ू मना करता, काम करोगे करेगा। अभी बंदर आ रहे थे तो बंदर की लड़ाई हो रही होगी तो मस्त तो दीदी वंशी का एकदम से उनकी लड़ाई हुई तो डर गई, उठते सा छाया ए मक्की 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 आ गया था, डर गया था। लक्ष्मण चलो मम्मी, इसके नीचे कुछ बिछा तो ना, आया ले ये पहले तो इस ये वंशी का दरवा देगी। ये देख लो मम्मी कट्टे में गेहूं भर दी है और ये भर दिया है। मेरा काम है उधर से उठा के लेकर आने का, साइड में रखने का, और मम्मी का काम है गेहूं को कट्टे में भरने का। ये देख लो भाई कितना सारा गेहूं निकल रहा। ये दूसरा कट्टा भर चुका है, तीसरा कट्टा भर चुका है, अभी चौथे कट्टे में मम्मी गेहूं भर रही है। मम्मी हाँ जल्दी जल्दी चला, नू नहीं चलने का काम। अभी ये पांचवा कट्टा भरा जा रहा है, ये देख लो चार कट्टे भर चुके हैं। ओ मेरी नानी की तावड़ी कर ले, वार करा लग रही बब्बो, मजा दवा भी लेने जाना मेरी नानी की तावड़ी कर। नानी का दे दे गाय। जब टंकी में थोड़ा कम नीचे मतलब कम नाज रह जाता है तो उसे टंकी को ऐसे आगे करना पड़ता है ताकि जो पीछे ना आ जाए वो आगे की तरफ चला जाए। अरे आना मम्मी, और तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देख लो पूरी आगे की तरफ झुका रखी है ताकि जो ना आ जाए वो जो मुंह से बन रहा है उसमें आ जाए, आगे की तरफ चला जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हूँ। छोड़ दू, ये देख लो बाबा पोती बाहर बैठे हैं दुकान पे, और वरी जुली जुली कहा है, वंशिका ओए जुली कहा है, गा की तरफ लख रही गा जाल लग रही, जुली कहा है जुली, है कहा है जुली। गेहूं वाली टंकी खाली कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ लास्ट में ये इतना गेहूं लिखा है और देख लो ये बिल्कुल खाली हो चुकी है, लीटा रखी है और वंशिका भी देख रही है, ये देख लो। और ये सारे गेहूं निकाल दिए थे, मम्मी ने ढक्कन छोड़ा और गेहूं के यहाँ टिल्ला लग रहा था,
ढक्कन एकदम से छोड़ने के बाद सारा पीछे फेंक दिया, चुमन उपो की वजह था। आजा यहाँ लिया सर, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ कर दे तो। बस यही 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 रहने दे, अरे लुटा दे फिर कर देंगे सांझ को खड़ी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही है, यहाँ पर खड़ी कर दिया। जब हम इसमें गेहूँ घाल देंगे, नए वाले गेहूँ घाल देंगे ना, उससे एक दिन पहले अच्छे से इसमें धूप लगा देंगे टंकी पे, और अच्छे से साफ करके जब गेहूँ घाल लेंगे। और अब की बार यहाँ पर खुले में बाहर नहीं रखेंगे, कमरे में अंदर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का काम होता है। तो टंकी बहुत ज़्यादा भीग गई थी, नीचे से जर भी रही है, तो इसलिए अब की बार हम टंकी यहाँ पर बाहर नहीं रखने वाले। वंशी का और मैं जा रहे हैं खेत में ये देखने के लिए गेहूँ कितने कट चुके हैं, अभी तो थोड़े बहुत ही रह रहे होंगे। तो चलो चलते हैं, ये देख लो ये विक्की पे बैठ चुकी है। चला खेत में चले गए, हम आ चुके हैं खेत में, और ये देख लो ये बस थोड़े से गेहूँ रह गए कटे बिना, ये थोड़े से रह गए, और ये देख लो यहाँ पर दोनों बैठे हैं। अरे काटते नहीं, अच्छा सही है, अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद फिर काटेंगे, ये इतना थोड़ा सा रह गया ये काट देंगे फिर। सुबह किस टाइम आए थे, 6 बजे पैक तो नहीं रहे, अच्छा। हम घर आ चुके हैं, अभी इन कट्टों को अंदर रखते हैं, क्योंकि बंदर यहाँ पर तो पाट देंगे, अंदर जैसे कि बैठक में रख दिया या दूसरे कमरे में रख देंगे, अभी देखते हैं कहाँ पर रखते हैं। कट्टों को तो यहाँ पर रख देते हैं, इसके ऊपर रखेंगे। नहीं पहले बड़ा आ जाएगा फिर उसको, अभी यहाँ से हम ये कट्टे उठा के वहां पर रख देंगे। तो चलो रखते हैं, इसे भी यू करके भी कट्टा धरना आगे नहीं, ये छोटा सा कट्टा धर दे, ये तो आपको उठाने के लिए हटा काम करना। हाँ छाया आ गई तो इस वजह से जाना नहीं चाहिए, जब बाबू उठी खा गई रोटी खा के आन लग रहे हम भी। हाँ यहाँ का खा देगी लो। हाँ आली सिर्फ लोगे, सिर्फ तो अरे भाई दरिया हम मंगाई मना हुआ है, ये दर्द का के कभी कर कभी खाया इसने। वही आऊं के नहीं दिखा दूँ एक वहां रख देंगे ना सारे कट्टों को। यू बड़ा वाला धरता पहले नीचे, इसे सी मिलो भाई तो सारा लिखेड़ देगा, सीम दूंगी दर्जी। गाइज मैं आया हूँ अभी खेत में, और अपने गेहूँ के कट्टे रख के मैं दवाई लेने चला गया था, दवाई लेकर फिर सो गया, पता नहीं क्या नींद सी आई। तो अभी अभी बज रहे हैं 5:40 हो रहे हैं, तो अभी मैं खेत में आया हूँ और दिखाता हूँ आपको ये देख लो ये कट चुके हैं सारे गेहूँ हमारे। तो एक दो दिन की धूप लगवाएंगे अच्छे से और ये सूख जाएंगे, तो कटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक दो दिन की धूप लगाएंगे। और अभी चाचा जी के कटने लग रहे हैं वहाँ पर सामने, देख लो वो काट रहे हैं। गाइज ये है अगला दिन, और मैं कल अपना ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो अभी मैं खेत में ही आया हूँ। ये देख लो किस ले आया हूँ मैं, वो बता देता हूँ आपको।
जैसे कि देख लो ये पुली है, ऊपर से तो सूख रखी है अच्छी, तो इसलिए नीचे से भी धूप में सुखाने के लिए इसको मैं ऐसे पलट दूंगा। ये देख लो ऐसे पलट दूंगा सारी, घंटे का एक घंटे का काम है सारा पलट दूंगा ऐसे ही। जैसे कि ये होगी तो पलटते हैं, क्योंकि कल का काम के चक्कर में मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया। ये देख लो थोड़ा थोड़ी हल्की हल्की आली लगती है ऐसे यहाँ से, तो अच्छे से जब पक जाएगी और भी अच्छे से धूप लगेगी, तो जब मशीन लगेगी ना तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी जल्दी कट जाएगा, फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और कल मशीन लगेगी तो वो भी दिखाएंगे आपको, और चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से, और कल जब मशीन लगेगी वो भी दिखाऊंगा। तो चलो अभी मैं इन्हें पलट देता हूँ।